लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल इन डेप्थ ऑल राइट सो यह बैच जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यह फर्स्ट जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और हम इस बैच को नाम दे रहे हैं रेगुलर इन डेप्थ रेगुलर इन डेप्थ क्यों डेफिनेटली ये बैच उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होने वाला है जो फ्रेशर्स है सी ए इंटर पास कर लिया है और जो पहली बार एफ आर सब्जेक्ट को उठाने वाले हैं पढ़ने वाले हैं डेफिनेटली ये बैच उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेड है जो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे और जिनको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए सब्जेक्ट की मैंने सुना है आजकल बहुत स्टूडेंट्स शॉर्टकट्स फॉलो करते हैं मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एफ आर जैसे सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम पढ़ते हो आप अगर आपके पास अगर मिनिमम एंड हाफ ईयर का टाइम है तो मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज आप शॉर्टकट मत करिए और आप ऐसी रेगुलर इन डेप्थ कोर्स पर जाइए ताकि आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग आ सके एफ आर सब्जेक्ट में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर पर जिनके बेसिस पर क्वेश्चन बनते हैं सो आई रिकमेंड यू कि आप अगर फ्रेशर्स हैं आपके पास सफिशियंट टाइम है तो आप रेगुलर इन डेप्थ कोर्स पर ही जाइए चलिए इसको डिटेल में समझने के लिए देखते हैं क्या क्या इस कोर्स के फीचर्स होने वाले हैं फेस टू फेस हम लेंगे पुणे में प्रेस्टीज पॉइंट में सुबह टाइमिंग होगा सेवन ओ क्लॉक पर यह बैच अराउंड थ्री आवर्स के आसपास का होगा इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लगभग लगभग लग 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 थ्री हंड्रेड आवर्स का सेशन होगा ठीक है ना अप्रोक्सीमेटली नाइनटी फाइव लेक्चर्स होंगे अप्रोक्सीमेटली क्योंकि कुछ लेक्चर्स तीन घंटे से ज्यादा भी हो सकते हैं ठीक है ना अब आप बोलोगे सर क्या थ्री हंड्रेड की नीड है क्या या फिर उससे कम में भी हो सकता है बेटा करने को तो 200 हंड्रेड आर्स में भी हम कर सकते हैं बट जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है तो दो घंटे ढाई घंटे का बैच रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है चाहे आप किसी से भी पढ़ें क्योंकि एफ एक बहुत लेंदी सब्जेक्ट है देर आर थर्टी फाइव इंडेज यस देर आर थर्टी फाइव इंडेज और पूरे इंडेज को अच्छे से कवर करने के लिए 300 हंड्रेड आरस आर द स्टैंडर्ड टाइम ठीक है ना अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बैच कौन से अटेंप्ट के लिए एप्लीकेबल होने वाला है ये बैच होने वाला है मे 23, थ्री नवंबर ट्वेंटी थ्री मे ट्वेंटी फोर नवंबर ट्वेंटी फोर और उसके आगे के भी अटेंप्ट अगर आपके किसी के हैं और अगर आपके पास अभी से ही टाइम है तो आप कर सकते हो सर आप इतने सारे अटेम्प्ट बता रहे हो सर आगे चल के कोई अमेंडमेंट नहीं आएंगे क्या बेटा एफआर के सब्जेक्ट में अगर अमेंडमेंट होते हैं तो वो एमसीए के थ्रू आते हैं इन डेज के अंदर जो कि लगभग पांच से दस परसेंट के अमेंडमेंट्स होते हैं फॉर एवरी अटेम्प्ट मतलब थोड़े बहुत हल्के फुल्के होते, होते हैं अमेंडमेंट्स होते हैं अमेंडमेंट्स जैसे कि डी वाले सब्जेक्ट में होते हैं जैसे जीएसटी में होते हैं उस टाइप के अमेंडमेंट्स एफ जैसे सब्जेक्ट में नहीं होते हैं सो यू डोंट नीड टू वरी क्योंकि अमेंडमेंट्स हम हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर समय रहते हुए डाल देते हैं अलॉन्ग विद द नोट्स So, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए आपके पास सफिशियंट है तो आप एफ से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं नाउ द क्वेश्चन सर न्यू स्कीम ऑफ आईसीआई इज गोइंग टू कम फ्रॉम ट्वेंटी थ्री मे बी सो सर हमें वेट करना चाहिए क्या uh, ये बैच ना करके हम आपका अगला बैच करें या फिर यही बैच करें सी द द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड द फैक्ट इज आर इज अ सब्जेक्ट विच कंटेन 100 और से से मतलब पूरा सब्जेक्ट से बना हुआ है रियल लाइफ में practically भी अप्लाई किया जाता है listed companies के अंदर और unlisted companies में भी तो आप खुद सोचिए फैक्ट आपके सामने है कि इंडेस जब प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा है तो इंडेस को हटाकर कोई नई चीज तो नहीं आएगी इसका मतलब एफ सब्जेक्ट में एक्सपेक्टेड चेंजेस एक कोर्स के अंदर एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं क्या ना के बराबर माइन्यूट अगर हुए तो मुश्किल से पांच से दस परसेंट कोई हल्के फुल्के चेंजेस होंगे हो सकता है उनको अगर कुछ मिसलेनियस टॉपिक डालना हुआ तो एक दो टॉपिक डाल सकते हैं बाकी सिलेबस के अंदर चेंजेस नहीं होंगे इसका मतलब अगर प्रपोज न्यू स्कीम आ भी गई क्योंकि आएगी डेफिनेटली तो किसी भी अटेम्प्ट से आएगी तो डेफिनेटली आप अगर एफआर पहले कर चुके होंगे तो आपका सब्जेक्ट पहले से ही तैयार रहेगा आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है मैक्स टू मैक्स आपको दो चार पांच क्लासेस एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ेगी अगर कुछ छोटे मोटे बदलाव आए तो जो कि एक्सपेक्टेड है हां पेपर के पैटर्न में जरूर एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं पेपर का जो पैटर्न है इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग नाउ दे आर गोइंग टू इशू थर्टी परसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल द पेपर्स जो कि उन्होंने प्रपोज किया है तो जो थर्टी परसेंट एमसीक्यूज रहेंगे वो एमसीक्यूज डेफिनेटली कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही रहेंगे जो कॉन्प्ट आपको क्लासेस में सिखाए जाएंगे जो कॉन्सेप्ट डेज के होंगे तो उन्हीं इन डेज के प्रोविजन से उन्हीं इन डेज के कॉन्सेप्ट से आपको एमसीक्यूज में हो सकता है पेपर पैटर्न में एमसीक्यू आ जाए तो एमसीक्यू से बनेंगे जिसके लिए हम अपनी तैयारी इसी बैच में करेंगे यस वी हैव स्टार्टेड टू प्रिपेयर एमसीक्यू बुक और हम समय समय पर आपको बीच बीच में पढ़ाते रहेंगे कि इस पॉइंट में यह एमसीक्यू बन सकता है जो कि हमारे पास भी है हमने अपनी एमसीक्यूज पर काम किया है इंस्टीट्यूट चाहे एमसीक्यू लेके आए चाहे नहीं लेके आए बट हमारे पास एमसीक्यू बने रहेंगे तैयार रहेंगे हो सकता है आपको अगर एमसीक्यू पेपर पैटर्न में नहीं भी रहेंगे तो हम आपको अपनी तरफ से एमसीक्यूज देंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से स्ट्रांग हो सके So, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं आपको कहूंगा कि यस एफ आर इज अब्जेक्ट एंड सेकेंड इज ऑडिट ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके सी ए के अंदर चेंज नहीं होने वाले हैं या फिर नॉर्मली ना के बराबर चेंजेस होंगे ठीक है एस एफ एम जरूर चेंज हो सकता है क्योंकि उसका नाम भी बदला है तो उसमें मेजर चेंजेस हो सकते हैं नेक्स्ट आते हैं कि सर बैकअप फैसिलिटी बैकअप फैसिलिटी क्या होने वाला है इस बैच में जो भी बच्चा लाइव सेशंस करेगा लाइव एट होम या फिर फेस फेस टू जो बच्चे हमारा सेशन ज्वाइन करेंगे उनको 100 परसेंट बैकअप फैसिलिटी मिलेगा अगर उनका कभी छुट्टी होता है 100 बैकअप फैसिलिटी मतलब सारे लेक्चर्स का बैकअप मिलेगा विद टू व्यूज एंड ट्वेल्व मंथ वैलिडिटी ठीक है ना तो बैकअप फैसिलिटी सभी बच्चों को मिलेगा डेफिनेटली ऑनलाइन डाउनलोड और पेनड्राइव स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्डेडेडेडेडेड बैच होता है तो वहां पर बैकअप की जरूरत पड़ती है ठीक है ना बट यस वी हैव सम अदर ऑप्शन फॉर देम ऑल्सो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में व्यूज एंड वेलिडिटी की बात करें तो डेफिनेटली देर विल बी टू व्यूज ए विद ट्वेल्व मंथ्स वैलडिटी ट्वेल्व मंथ वैलिटी का कॉन्सेप्ट यह है कि आप जिस दिन से अपने लेक्चर्स को एक्टिवेट करोगे उस दिन से लेकर ट्वेल्व मंथ्स तक आप अपने लेक्चर्स को देख सकते हो बट आगे चलकर अगर आपका ट्वेल्व मंथ वैलिडिटी खत्म हो जाता है तो आप उसको फर्दर एक्सटेंड करवा सकते हो नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ के लिए सो टेक्निकलीट वुल ट्वेल्ल प्लस ट्वेल्व ठीक है लेक्चर्स किस पे चलने वाले हैं अगर आप लाइव लेते हैं या फिर अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड पेन ड्राइव देते हैं तो लेक्चर्स चलने वाले हैं विंडोज लैपटॉप पे और एंड्रॉइड के डिवाइस पर एंड्रॉइड मोबाइल या टैबलेट पर तो इन दोनों में कॉम्पेटेबिलिटी होगी लेक्चर्स की टेस्ट की बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट की बात करते हैं देखो यार कोई भी कोर्स बिना टेस्ट के कंप्लीट नहीं हो सकता आपकी पढ़ाई बिना टेस्ट के कंप्लीट नहीं हो सकती सो so, हम क्लास में रेगुलर लेवल पर टेस्ट लेते रहेंगे अब यहां पर आप बोलोगे सर टेस्ट तो हर कोई लेता है पर ना पेपर चेक कोई नहीं करता हम यहां पर आपके पेपर्स भी चेक करेंगे यस जो टेस्ट मैं आपको देने वाला हूं वो टेस्ट पेपर्स चेक किए जाएंगे आपको टेस्ट पेपर्स मेल पे आएंगे आपको वो हमें वापस से सोल्यूशन देना है अपना सोल्यूशन शीट देना है और हम उसको चेक करेंगे हां पर आपको सोल्यूशन खुद से करना है मतलब ये हुआ कि टेस्ट पेपर्स आपको देने पड़ेंगे ताकि हम चेक कर सकें अगर आप देंगे ही नहीं तो फिर कैसे हो सकता है तो आपको टेस्ट पेपर्स दिए जाएंगे ड्यूरिंग द बैच ऑल्सो एंड वंस द बैच इज ओवर उसके बाद हंड्रेड हंड्रेड परसेंट सिलेबस के भी टेस्ट आपसे लिए जाएंगे समय समय पर ऐसे दो या तीन बार होगा जो कि आपके टेस्ट हंड्रेड परसेंट सिलेबस का टेस्ट होगा मॉक टेस्ट जो कि विथ इवेल्यूशन होगा मतलब चेकिंग फैसिलिटी होगी ये टेस्ट पेपर्स आपको मेल पर आएंगे समय समय पर ठीक है रिविजन रिविजन को हमने यहां पर दो सेगमेंट्स में क्लासिफाई किया है रिविजन ड्यूरिंग द सेशन रिविजन ड्यूरिंग द क्लासेस एंड दूसरा सेगमेंट रिविजन आफ्टर द क्लासेस बिकम ओवर तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिविजन ड्यूरिंग द सेशन ड्यूरिंग द सेशन में हमारा जो ये रेगुलर इंडेप्थ कोर्स है इसमें हम क्लासेस में ही मल्टीपल रिविजन करेंगे जैसे मैंने आज जो भी कौन से पढ़ाया नेक्स्ट डे आके पहले मैं उसको रिवाइज करवाऊंगा स्टार्टिंग के 10 टू 15 मिनट्स ये रिविजन ओरली भी हो सकता है और ये रिविजन चार्ट से भी हो सकता है जो चार्ट बुक आपको दी जाएगी तो ये मल्टीपल रिविजन क्लासेस में होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे समय समय पर मल्टीपल रिविजन होते रहेंगे और यही रीजन है कि नंबर ऑफ लेक्चर्स नाइनटी तक जा रहे हैं ठीक है ना तो मल्टीपल रिविजन क्लासेस में होंगे क्लासेस एक बार खत्म हो गई उसके बाद रिविजन कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा कवरेज बेटा 100 सिलेबस कवर होगा पर आईसीएआई मटेरियल मतलब आईसीएआई के सारे कॉन्सेप्ट्स सारे इलेस्ट्रेशन सारे 100 परसेंट टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चंस को हमने क्लब करके अपने मॉड्यूल्स में डाल दिया है बस फर्क इतना है कि हमने अपने मॉड्यूल्स को कलरफुल किया है आईसीआई के मॉड्यूल्स ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं तो अगर आप आईसीआई के मॉड्यूल पर को अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो सेम हमारे मॉड्यूल्स रहेंगे आपको उसके बाद आईसीआई मॉड्यूल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे मॉड्यूल्स में हंड्रेड परसेंट आईसीआई का कवरेज रहेगा चाहे कॉन्सेप्ट्स हो चाहे क्वेश्चंस हो हां जी नेक्स्ट चीज पे आते हैं एक सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि जैसे ही पूरा बैच कंप्लीट हो जाता है जैसे ही पूरा बैच कंप्लीट हो जाता है उसके बाद स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें डेफिनेटली यहां पर आपके पास टाइम तो मिनिमम होगा बट डेफिनेटली आपका मन करेगा कि मैं जब जब एक्स एफ को रिवाइज करूं तो मेरे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए भी हमने एक बहुत अच्छा प्रोविजन किया है यू विल लव इट कैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक बैंक कंपाइलर कंपाइलर ये क्वेश्चन में सारे के सारे आर सारे के सारे एम सारे के सारे पास्ट एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चन विद सोल्यूशन रहेंगे तो ये बुकलेट आपको मिलेगी इसके दो वॉल्यूम होंगे ये बुक आपको मिलेगी फॉर योर ओन प्रैक्टिस सर ओन प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है मतलब आप आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर्स नहीं करवाओगे ऐसा मैंने कब कहा आपको ये बुक दिया जाएगा अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने तरीके से ये प्रैक्टिस करना है बट एट द सेम टाइम ये क्वेश्चन बैंक कंपाइलर के वीडियोस जिसमें सारे आरटीपी एम टी पास एग्जाम पेपर हैं इनके वीडियोस हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिए हैं द बेस्ट पार्ट इज कि मैंने इनके लेक्चर्स को डिस्कस किया है हर एक क्वेश्चन डिस्कस करके मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है इसका मतलब जब आप प्रैक्टिस करेंगे और अगर आप किसी भी क्वेश्चन में आपको अटक रहे हो आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है आपको यूट्यूब पे मेरा लेक्चर मिल जाएगा और वो लेक्चर से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो तो मैंने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए हैं बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि पहले आप खुद से करेंगे अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप क्वेश्चन बैंक के वीडियोज देख सकते हो यूट्यूब पर ठीक है तो मैंने करवाए हैं और डेफिनेटली वो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे फ्रीली ठीक है उसकी उसकी प्लेलिस्ट डेफिनेटली आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो तो मेन क्वेश्चन इज सर वाई नाइन्टी फाइव लेक्चर्स नाइन फाइव लेक्चर्स का रीजन क्या है पहला रीजन रीजन डिटेल डिस्कशन ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट मैं आपको बोलूंगा कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं और जहां जहां मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर रहा है क्योंकि मैंने इन डेज एडोपन के लिए कुछ कंपनीज के लिए काम भी किया था तो मेरा जहां जहां एक्सपोजर रहा है मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा इसी को हम कह रहे हैं रेगुलर इन डेप्थ तो डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ऐसा नहीं कि एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ा बस बात खत्म चलो क्वेश्चन पे आए डिटेल में कॉन्सेप्ट करेंगे तो उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है मल्टीपल क्लास रिवीजन जैसा मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट डे आके मैं आपको क्लासेस में रिवीजन करवाऊंगा बहुत सारे टीचर्स नहीं करवाते हैं इसीलिए उनके क्लासेस के नंबर ऑफ आर्स थोड़े से कम होते हैं तो हम मल्टीपल क्लासेस रिवीजन करेंगे इसीलिए हमारा नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ जाएगा मल्टी मल्टीपल कंसेप्चुअल सेल्फ मेड एग्जाम्पल्स यस कई बार ऐसा होता है कि मुझे आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे कई बार आपको एग्जाम्पल्स को लिखवाना पड़ेगा आपकी कॉपी में जो कि आप अपने नोट्स बनाओगे तो मैं आपको कई बार मल्टीपल एग्जाम्पल्स लिखवा लिखवा के लिखवा लिखवा के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा तो जो मैं आपको इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन करवाऊंगा आईसीआई के अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको अपने खुद के सेल्फ मेड एग्जाम्पल्स करवाऊंगा डेफिनेटली इट विल टेक द टाइम इसलिए लेक्चर ज्यादा होंगे

मेरे पास अगर कोई डाउट्स आते हैं तो मुझे डाउट्स का सपोर्ट दिया जाए हम इस बार बहुत ही स्ट्रॉग डाउट सपोर्ट के कॉन्सेप्ट से उतर रहे हैं द फर्स्ट इज टेलीग्राम ग्रुप डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप फॉर दिस बैच स्टूडेंट ये एक क्लोज्ड ग्रुप रहेगा इसमें बाकी कोई बच्चा ऐड नहीं हो सकता इसमें वही बच्चे ऐड होंगे टेलीग्राम ये यह सब्सक्राइब किया होगा और उस ग्रुप में सारे कम्युनिकेशन होंगे रिगार्डिंग डाउट्स एंड रिगार्डिंग अदर टेक्निकल थिंग्स तो डाउट्स के कम्युनिकेशन उस ग्रुप में होंगे फायदा अच्छा यह है कि अगर आपके छोटे मोटे डाउट्स हैं और आपको लगता है कि मैं सर से क्या पूछू काश मेरे को, कोई और भी हेल्प कर सकता है तो जल्दी हेल्प कर दे तो आप टेलीग्राम ग्रुपट डालोगे तो अदर स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली रिप्लाई यू नेक्स्ट मेथड ऑफ आस्किंग डाउट इज वी स्मार्ट क्यू एंड एप आपको एक वी स्मार्ट का क्यू एंड एप दिया जाएगा जिस एप पे आप डाउट पूछोगे और उसमें इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका डाउट हमें अच्छा लगा जिसमें हमने आपको आंसर भी किया तो आपके डाउट को टैग कर देंगे ताकि बाकी बच्चे भी उस डाउट को देख सकें और अपना डाउट जल्दी से सॉल्व करवा सकें ठीक है एंड द थर्ड वुड भी डेफिनेटली द पर्सनल व्हाट्सएप तो पर्सनल व्हाट्सएप भी रहेगा डाउट्स के लिए जो कि मेरा ही नंबर रहेगा ठीक है डाउट्स की बात हो गई अब हम बात करेंगे बुक्स एंड मटेरियल्स की तो आपको क्या किताबें मिलेंगी आपको तीन कलरफुल मॉड्यूल्स मिलेंगे इन तीन कलरफुल मॉड्यूल्स में 100% परसेंट कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीआई मटेरियल 100% परसेंट इलस्ट्रेशन हंड्रेड परसेंट टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन ऑफ आईसीआई मटेरियल कलर्ड बुक होगी आईसीआई की बुक कलर्ड नहीं होती बस इतना फर्क है ठीक है ना बट इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा इसमें जगह जगह पर आपको ऑथर नोट मिलेगा मतलब आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए आपको मेरी तरफ से और एक्स्ट्रा नोट्स मिलेंगे ऑथर नोट आपको जगह जगह पर मिलेगा जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि आपने आईसीआई का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा बुक में से पढ़ा आपको समझ में कम आया तो उसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाने के लिए जगह जगह, जगह पर आपको ऑथर्स नोट मिलेंगे ये एक सोने पे सुहागा है दूसरा क्वेश्चन बैंक कंपाइलर मिलेगा जिसकी मैं अभी बात करके आया कि आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए आरटीपी एमटीपी के लिए आपको एक, एक हलग से हम बुक देंगे जिसके डिस्कशन वीडियो हमने यूट्यूब पर डाल दिए हैं ईगल व्यू चार्ट बुक मिलेगा जिससे हम रिवीजन करवाएंगे क्लास में भी और आपको एग्जाम टाइम में भी रिवीजन करने में आसानी होगी ये समरी चार्ट बुक होगी बहुत जबरदस्त बुक होने वाली है आपको मजा आ जाएगा उसके चार्ट रिवीजन लेक्चर हमने यूट्यूब पे डाले भी हुए हैं राइट right? दूसरा सेगमेंट रिवाइज करने का मैंने, आपने, मैंने, मैंने आपको बताया था कि रिविजन करने को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर रहे हैं नाउ एक बार क्लासेस खत्म हो गई उसके बाद हम कैसे रिवीजन करेंगे एग्जाम्पल क्लासेस खत्म होने के बाद आपके पास एक साल का टाइम बचा हुआ है आपके अटैम्प्ट के लिए या दो साल का टाइम बचा हुआ है या वन एंड हाफ ईयर बचा हुआ है ढाई साल बचा हुआ है तो आप इस दो साल को कैसे यूटिलाइज करोगे डेफिनेटली हमारे पास दो मेथड्स होंगे पहला आप जब जब अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो आपको आपके खुद के सेल्फ मेड नोट्स काम आएंगे जो आपने ड्यूरिंग द क्लासेस बनाए थे मेरे साथ मेरे कलरफुल मॉड्यूल्स आपको काम आएंगे क्योंकि उसमें आपने डेफिनेटली टिक लगाया होगा आपने उसमें कुछ स्टिकी नोट्स लगाए होंगे और अगर आपने अपने नोट्स अच्छे से नहीं बनाए होंगे तो मैं आपको अपने क्लास के पीडीएफ्स प्रोवाइड करूंगा जिसको आप एलएमएस बोल सकते हो मतलब डेली क्लासेस में जो भी मैंने लिखवाया होगा वो कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा हर एक चैप्टर का सेपरेटली सेपरेटली टेलीग्राम ग्रुप पे भी देंगे और जो आपका लॉग इन आईडी होगा वी स्मार्ट में वी स्मार्ट में जो आपका लॉग इन आईडी होगा उसमें आपको क्लास पीडीएफ मिलेंगे तो एक तो तरीका यह रहेगा कि आप रिविजन आप इस मटेरियल से कर सकते हो आगे चल के जैसे जैसे आप प्लान करोगे, बट एक चीज तकलीफ ये जाती है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हम अदर सब्जेक्ट्स की तरफ जाते जाते हैं तो हम पुराने सब्जेक्ट्स को भूल चुके होते हैं एफ के साथ भी ऐसा हो सकता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए हम आप सबको अपनी तरफ से एफ का बूस्टर बैच जो कि 60 आवर्स का होगा जिसमें एटी टू नाइनटी कंप्लीट सिलेबस रहेगा 85 फाइव टू 90 परसेंट सिलेबस का होगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे टेक्निकली अगर आपको हार्ड कॉपी बुक चाहिए होगा तो हम बस हार्ड कॉपी बुक का चार्जेस आपसे लेंगे दैट वुड बी अराउंड वन थाउजेंड अदरवाइज लेक्चर्स आपके लिए फ्री रहेंगे स yes, और ये लेक्चर्स आप एक्सेस कर सकते हो विद इन टू और रजिस्ट्रेशन ऑफ योर क्लासेस तो आपके पास समय रहेगा जब भी आप रिवाइज करने के लिए उतरोगे आपको रिविजन करना है आपको जरूरत पड़ रही है वापस से कुछ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिनके लिए आपको लग रहा है कि मैं अपडेटेड क्लासेस देख लू तो आपके पास बूस्टर बैच रहेगा अपडेटेड और वह आप दो साल में कभी भी हमसे ले सकते हो राइट right? चलिए द नेक्स्ट इज एमसीक्यूज मैंने जैसा कि आपको बोला कि प्रपोज न्यू स्कीम में एमसीक्यू पैटर्न आ सकता है थर्टी परसेंट मार्क्स के लिए अब मैंने क्या सोचा कि यार ये पैटर्न आए चाहे नहीं आए पर हम अपने स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे सेपरेटली ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग किया जाए तो क्लासेस के दौरान क्लासेस के दौरान या क्लास खत्म होने के बाद मैं टेलीग्राम पे आपके आपसे पोल करवाता रहूंगा एमसीक्यूज के फॉर्म में मैं आपके आपके साथ कुछ कंसेप्चुअल बेस एमसीक्यूज पूछता रहूंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते जाएंगे और आगे चल के जैसे ही हमारा ये बुक प्रिंट होगा तो वो आपको भी प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है अमेंडमेंट्स कैसे रहेंगे मैंने आपको बताया कि अमेंडमेंट्स हमेशा एफआर में फाइव टू टेन परसेंट होते हैं हर अटैप्ट में तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है जब भी अमेंडमेंट आएंगे हमारे प्रॉपर सीरियल वाइज अमेंडमेंट कौन से कौन से अटैम्प्ट के लिए अपलिकेबल है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे हंड्रेड सपोर्ट हमेशा रहेगा उसके नोट्स भी आपको सॉफ्ट कॉपी में हमेशा मिलते रहेंगे सो डोंट वरी और जो बूस्टर बैच आपको मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट वो आप आगे चल के अपडेटेड बैच लोगे तो वो विथ अमेंडमेंट ही होगा विथ नोट्स में भी अमेंडमेंट ही होगा डोंट वरी ठीक है नाउ स्कॉलरशिप टेस्ट बेटा जिस दिन मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज भी हमारे पास दो दिन बचे हुए हैं ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जून इज द लास्ट डेट फॉर टेकिंग स्कॉलरशिप किस चीज का स्कॉलरशिप है ये? अगर आप मेरा FR का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एक स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो जिस स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर आपको मिनिमम 20 परसेंट और मैक्सिमम 20 50 परसेंट ऑफ द फीस अमाउंट का स्कॉलरशिप दिया जाएगा अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छे ना, अच्छे मार्क्स लाते हो यह स्कॉलरशिप टेस्ट एमसीक्यू फॉर्म में होगा आपके सी इंटर के नॉलेज के बेसिस पर होगा टोटल फिफ्टी क्वेश्चन दो घंटे का टेस्ट होगा वी स्मार्ट ऐप पे होगा उसके लिए आपको डब्ल्यू 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 डॉट वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम पे जाके आपको रजिस्टर करना है और आप टेस्ट दीजिए जिससे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो आपको अल्टीमेटली फीस में बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है ठीक है स्कॉलरशिप की डिटेल के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाउ टू तो ज्वाइन द बैच और हाउ टू तो रजिस्टर फॉर दिस बैच देखिए फर्स्ट जुलाई को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पर रहेंगे वी स्मार्ट चैनल में ठीक है ना और वो लाइव रहेंगे और फेस टू फेस भी रहेंगे तो अगर आप पुणे से हैं और फेस टू फेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पुणे प्रेस्टीज पॉइंट पर आके विजिट करिए और आप आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए अगर आप लाइव एट होम पे हैं या फिर आप ऑनलाइन डाउनलोड पेन ड्राइव परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हो वेबसाइट पर जाके कोर्स परचेज करना पड़ेगा या फिर आप हमारे किसी भी एसोसिएटेड वेबसाइट और एसोसिएटेड पार्टनर्स से आप हमारा यह कोर्स परचेज कर सकते हो फॉर लाइव और ऑनलाइन डाउनलोड परचेज प्राइस ठीक है ना तो अगर आपके कोई सिटी में एसोसिएटेड पार्टनर्स हैं तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो फॉर परचेज ऑफ दिस कोर्स बट याद रखिएगा फर्स्ट जुलाई को हम स्टार्ट कर रहे हैं सेवन ए एम इन द मॉर्निंग अगर आपको डेमोज देखने हैं तो वीट वी स्मार्ट के चैनल पर आपको डेमोज मिल जाएंगे फर्स्ट से हम अवेलेबल होंगे आपके लिए सो गाइज थैंक यू सो मच विल बी वेटिंग फॉर यू ऑन फर्स्ट जुलाई थैंक यू